क्लास कीवर्ड ईयर 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ है वो एक्चुअली एक सिंटैटिक श्यूअर है फंक्शन कंस्ट्रक्टर के ऊपर, ऑलराइट। तो उसे सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ऑलरेडी ये एग्जांपल आपको वाकिफ होगा जो हमने यू नो कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में यूज़ किया था। सो इस एग्जांपल को, इस ES5 एग्जांपल को हम लोग ES2015 में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप देख सकें हैं कि कैसे ये सेम चीज़ें जो ES5 में यूज़ हुई है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इधर ES6 रन करने के लिए मुझे बैबल की ज़रूरत है, तो इधर ये JSBin में मैं यहाँ पर ES6 बैबल सेलेक्ट करता हूँ और उसके पहले मैं जो है इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और इस प्रोटोटाइप को भी कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर इन दोनों को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो अभी इस फंक्शन कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्लास कीवर्ड में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपली इधर लिखूँगा क्लास, उस क्लास का नाम डॉग, और यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर रिसीव करने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और ये जो वैल्यूज़ जो है वो इसे यहाँ कंस्ट्रक्टर से रिसीव होगा और यही सेम वैल्यू हम लोग यहाँ पर कॉपी करके यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। तो बिल्कुल ये दोनों अभी एक दूसरे से इक्विवेलेंट है। अगर मैं यहाँ पर इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर दूंगा यू नो डॉग वन इक्वल्स टू न्यू डॉग क्रिएट करूँगा और इसे मैं समझो कुछ भी नाम दे देता हूँ और इसे एज देता हूँ 3। अभी मैं इसे कंसोल लॉग करूँगा डॉग वन और मैं रन करूँगा तो अब देखोगे कि नहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसका एज 3 और नेम हमने जो भी दिया था यहाँ पर अवेलेबल। अभी यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ नीचे हमने डॉग कंस्ट्रक्टर के ऊपर एक मेथड डाला था बाग, तो अभी मैं इसे अनकमेंट करता हूँ। तो ये सेम फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए क्लास यहाँ पर ES6 में हमें जो है यहाँ पर एक बाग लिखना पड़ता है और इसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। या ना फंक्शन कीवर्ड होता है ना ही प्रोटोटाइप कीवर्ड होता है, लेकिन ये एग्जैक्टली जो यहाँ कर रहा था वही आइडेंटिकल बिल्कुल एग्जैक्टली वो यहाँ कर। तो मैं इधर सिंपली इसे कट करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसे यहाँ पर से डिलीट कर देता हूँ और इस डॉग वन में अगर मैं कॉल करूँगा बाग, अब इसे मैं रन करूँगा तो देखोगे तो अलर्ट दिखाई देगा, जो अलर्ट जो है दिस और नेम यहाँ पर दिख रहा था। कूल, अभी हम लोग इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि अभी हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनहेरिटेंस करने के लिए हम लोग को दो चीज़ें करना पड़ता था। चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को हम लोग के पेरेंट कंस्ट्रक्टर से असाइन करना पड़ता था और पेरेंट कंस्ट्रक्टर को हम लोग को यहाँ पर कॉल करना पड़ता था। क्लास बुलडॉग एक्सटेंड डॉग, राइट। सो ये जो लाइन है ये बिल्कुल वही सेम फंक्शनलिटी अचीव कर रहा है जो यहाँ पर हम लोगों ने किया था, राइट। तो अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर ये कॉल देने के लिए ये जो लाइन यहाँ कर रहा था उसे हम लोग यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, राइट। ये सेम बुलडॉग कंस्ट्रक्टर के जैसा ये पैरामीटर रिसीव करेगा, राइट। और जो इसके पैरेंट को प्रॉपर्टीज चाहिए जो हम लोग यहाँ पर कॉल करके अचीव करते थे वो सेम यहाँ पर हम लोग जो है सुपर लिखेंगे और जैसे नेम और एज हम लोग इधर स्पेसिफाई करते थे वही यहाँ पर हम लोग इधर इसे पास करेंगे, राइट। अभी मैं इसे दिस अपडेट जो है वो यहाँ पर इधर दे देता हूँ, अभी मैं इसे इजीली डिलीट कर सकता हूँ। हम लोग यहाँ पर जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे थे मैं उसे अनकमेंट करता हूँ और इसे यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि ब्रूनो दिखाई देगा जो ऑफकोर्स ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर पर जो मेथड था बाग वो यहाँ पर अभी इसे यूज़ कर रहा है। क्लास कीवर्ड के बारे में समझा होगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शनलिटी तो सेम अचीव हो रहा है लेकिन आप देखें कि ये बिल्कुल फंक्शन कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप बिल्कुल वही है, बस उस पर एक सिंथेटिक शुगर है जो मे भी थोड़ा इजी कर देता है हमें इसे लिखने में। ऑलराइट, सो बाय गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।